द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से हम सब स्वागत करते हैं। We came in the last days, that's why we are proclaiming the gospel of the Lord Jesus. हम एक अंतिम समय में आ गए हैं, इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को आपके पास लाते हैं। Hereafter there is no chance to proclaim the gospel as freely like this. आगे के दिनों में ऐसे स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए ऐसा मौका हमें नहीं रहेगा। We are proclaiming this gospel because God is coming very soon. हम ये सुसमाचार को आपके पास लाते हैं क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाला है। Man having so many plans in this world. मनुष्य को इस संसार में कई अपने लिए योजना को बनाकर रखा है। Praise Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Man having the so many plans in his life. मनुष्य अपने जीवन में अपने लिए कई योजनाओं को ठहराया हुआ है। But man's plan will be fail in their life. लेकिन मनुष्य जो अपने लिए योजना ठहरा कर रखा है वो उसमें पराजय को हासिल करेगा। Naturally, man having his own plans. स्वाभाविक तौर से हर एक मनुष्य के लिए अपने लिए कई योजना को ठहराता है। According his own plan, he want to live in this world. अपना योजना के अनुसार ये संसार में अपना जीवन को व्यवहार करने के लिए चाहता है। Tonight, what is your plan in your life? आज रात के समय आप अपने लिए क्या योजना को बना रखी हो। बाइबल वेरी क्लियरली सेज दैट गॉड हैविंग द ग्रेट प्लान कंसर्निंग मैन। पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है कि हर एक मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपना योजना को ठहरा कर रखा है। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड गॉड चोजन द पीपल टू बिल्ड अप ए चर्च एंड गेट रेडी फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। इस संसार की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु अपने लिए एक योजना को ठहराया ताकि कलीसिया तैयार होकर अपने आगमन के लिए उठा लिया जाए। इन द वर्ल्ड सो मेनी पीपल बॉर्न एंड ब्रॉट अप और लास्टली दे विल डाई इन द वर्ल्ड। इस संसार में कई लोग जन्म लेते हैं, परिवरिश किए जाते हैं और आखिरी में वे मर मिट जाते हैं। सैड टू से इन द वर्ल्ड सो मेनी पीपल डाई लाइक ए डॉग्स एंड दे विल किल्ड बाय पीपल एंड लाइक ए बीस्ट ओनली दे विल बी डिस्ट्रॉय इन द वर्ल्ड। एक दुख का बात है, वे कुत्ते के समान एक मौत को लेते हैं और एक जानवर के समान इस संसार में मर मिट जाते हैं। People are so many people there who are killing like anything. इस संसार में ऐसे भी कोई लोग हैं जो एक दूसरे को हत्या करके वे मार डालते हैं। Dear child of God, man having a great plan by God. लेकिन हर एक मानव जाति के लिए परमेश्वर की ओर से एक योजना ठहराया हुआ है। Tonight we are going to tell what is the plan of the man. And his own plans. आज की रात के समय आपके सामने मनुष्य के योजना के प्रति कुछ सच्चाई को आपके सामने लाने के लिए चाहते हैं। Here we are seeing that the man's own plan. यहाँ ये चित्र man's plan. यहाँ इस चित्र में मनुष्य के अपने योजना के बारे में देख सकते हैं। Secondly is a plan of the devil. दूसरा शैतान का योजना। Here we are seeing the plan of the own plans of the man. और तीसरा मनुष्य अपने लिए ठहराया हुआ अपने अपना योजना। Lastly we are seeing the two ways according to their own plans, man going to the hellfire and some people who are obeying the plan of God. They will go to the eternity. आखिरी चित्र में दो मार्ग को देख सकते हैं। एक मनुष्य अपने मार्ग को चुनकर आखिरी में वो विनाश की ओर चला जाता है, लेकिन दूसरा मार्ग परमेश्वर की योजना के लिए अपने आप को समर्पण करते हुए नित्यता में वे पहुंच जाता है। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। First of all, I want to show you the own plan of the man. प्रथम तौर से आपके सामने मनुष्य अपने लिए ठहराया हुआ अपना योजना के बारे में कहने के लिए चाहता हूँ। इन द वर्ल्ड आफ्टर द एजुकेशन मैन स्टार्टेड टू प्लान हिज ओन प्लान। एक मनुष्य इस संसार में अपनी पढ़ाई के बाद अपने लिए कई योजना को बनाता है। आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ए क्रिश्चियन फैमिली ओनली। मैं एक मसीह परिवार में जन्म लिया और पालन पोषण किया गया। Up to 25 long years, I lived as a nominal Christian. एक साधारण मसीह जीवन 25 लंबे साल में जीवन बिताता रहा। And after that, I thought this is a world I have to enjoy. उसके बाद मैं ऐसा सोचा कि ये ऐसा एक संसार है जहां मैं खुशी मना सकूं। Dear child of God,
प्रभु के प्यारे लोगों, आफ्टर माई एजुकेशन आई एम स्टार्टिंग टू स्टार्ट माई ओन प्लान. मैं अपने पढ़ाई के बाद मैं अपना योजना को बनाने लगा. आई थॉट दिस इज अ वर्ल्ड आई हैव टू एंजॉय. मैंने ऐसा सोचा ये मेरा संसार है और मैं उसमें आनंद मनाना चाहता हूँ. सो आई स्टार्टेड टू एंजॉय द वर्ल्ड. इसीलिए मैं ये संसार के हर एक खुशियों में शामिल होने लगा. आई वॉज ए डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल प्लेयर. मैं एक डिस्ट्रिक्ट के बास्केटबॉल प्लेयर था. आई यूज टू सिंग द किशोर कुमार songs imitation and going on earning the money by the orchestra. Kishore Kumar ke geet gaakar orchestra ke sath kai mashhoor geet gaakar naam kamaya. And I earned the money also. Aur maine paise bhi kamaye. And I studied my BCom education. I finished my BCom college. Jab apne padhai BCom ko maine khatam kiya, I thought that year after I have to enjoy the world. उसके बाद मैं ऐसा सोचा अभी आगे ये संसार को मैं खुशी मनाना चाहता हूँ. But I am going on living in the world, but this world is not fulfill my desires. मैं ये संसार में तो जीवन बिता रहा था लेकिन ये संसार मेरे कोई भी ख्वाहिशों को वो पूरा नहीं कर सका. My plan was just I want to become a great and name and fame. Mera aise ek chahta tha ki main ye sansar mein ek bada mashhoor naam kamane wala vyakti hokar badalna hai. Because my father was a deputy collector, I thought in the world I must get the name and fame. Mera pita is sansar mein ek deputy collector hone ke karan main bhi naam aur mashhoor kirti ko kamane ke liye chahta tha. But sickness started in my body. लेकिन अचानक मेरे शरीर में बीमारी आ पहुंचा. After that also my plan is go to Arab countries and get the money and live in the world. उसके बाद मैं अपना योजना ऐसा ठहराई कि मैं बाहर देश में जाकर पैसा कमाना चाहता. Arab countries I'll go and earn the money. अरब देश में जाकर पैसा कमाऊं. I took everything, passport and waiting for the visa. मैंने पासपोर्ट लिया और वीजा के लिए इंतजार कर रहा था. But sickness started in my body. लेकिन अचानक मेरे शरीर में बीमारी आ गया. Because God's plan is different. क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर का योजना कुछ अलग था. 4 years I suffer in the sickness. यही बीमारी से 4 लंबे साल में तड़पता गया. No doctor cure my sickness. कोई भी वैद्यों ने मेरे बीमारी के लिए कोई हल नहीं कह सके. English medicine, Ayurvedic medicine and any medicine never help me to get out from the sickness. अंग्रेजी दवाई लिया, आयुर्वेदिक दवाई लिया, लेकिन कोई भी दवाई मेरी बीमारी से मुझे छुटकारा नहीं दे पाया. Lastly, I am crying on the roads. आखिर में मैं सड़क में रोता रहा. Who can save me? कौन मुझे बचा सकता है? Who can heal me? कौन मुझे चंगाई दे सकता है? Because I am away from the out of the way of the Lord. क्योंकि मैं परमेश्वर के मार्ग से दूर चला गया था. Dear child of God, that's why I am going on astray, otherwise sinking in my body. इसीलिए मैं ये शरीर में बीमारी के कारण मैं डूबा चला गया. So my eyes are little dimish and blind. और मेरा आंख भी धुंधला हो गया. And my teeth unable to bite any hard food. और मेरे दांत भी इतना कमजोर हो गया कि कोई कठिन भोजन मैं नहीं खा सकता. Lean and black and just skeleton only roaming on the roads. और मैं बहुत दुबला हो गया, काला हो गया, कमजोर होकर सड़क में चलता फिरता रहा. I'm going on asking who can save me. और ऐसे ही पूछता रहा कौन मुझे बचा सकता है. I was a Christian but I do not know the power of God. मैं एक मसीह व्यक्ति था लेकिन परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जाना. But my own plans only I am going, but I was going in my life. मैं अपने योजना में ही जाता रहा. But God's plan is different. लेकिन मेरे प्रति प्रभु का योजना कुछ अलग रहा. Lastly, like this gospel meetings only I went attend. और आखिरी में ऐसे एक सुसमाचार सभा में आकर मैं शामिल हो गया. Preacher going on preaching the gospel. प्रचारक ये सुसमाचार का प्रचार कर रहा था. 3 days he prayed for so many people, so many demons run away and so many people healed, delivered from their bondage. 3 दिन तक वो कईयों बीमार लोगों के लिए प्रार्थना किया, कई शैतान से ग्रस्त लोग छुटकारा पाए, कई बंधन में रहने वाले लोग छुटकारा पाए. बट आई नेवर डिलीवर्ड. लेकिन मेरे लिए कोई छुटकारा नहीं रहा. दैट प्रीचर टोल्ड व्हाई नॉट यू कम लास्ट डे.
वो प्रीचर ने कहा आखिरी दिन तू क्यों आगे नहीं आता. लाइक यू आई सैट एंड हर्ड द वर्ड ऑफ गॉड. आपके समान मैं बैठ के परमेश्वर के वचन को सुन रहा था. लाइक प्रीचर लाइक मी द प्रीचर गोइंग ऑन प्रीचिंग. मेरे समान वो प्रचारक प्रचार कर रहा था. एक्सेप्ट यू एक्सेप्ट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर योर सिकनेस विल नॉट लीव फ्रॉम यू. यदि तू प्रभु यीशु मसीह को अपना निज मुक्तिदाताओं का स्वीकार नहीं करने पर तेरे शरीर में रहने वाला बीमारी तुझे कदापि नहीं छोड़ जाएगा. आई एक्सेप्ट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एज माई पर्सनल सेवियर. मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता होकर स्वीकार किया. 40 years back आई एक्सेप्ट द लॉर्ड. 40 साल के पहले प्रभु यीशु मसीह को मैंने स्वीकार किया. आफ्टर दैट गॉड हील्ड मी कंप्लीटली. उसके बाद प्रभु ने मुझे पूरी रीति से चंगाई किया. दिस 40 लॉन्ग ईयर्स आई नेवर सॉ डॉक्टर. आई नेवर टेक एनी मेडिसिन. My doctor is Lord Jesus. ये 40 साल तक मैं डॉक्टरों के पास नहीं गया, कोई दवाई नहीं लिया. मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए वैद्य होकर रहा. After my healing, then I come to know what is the plan of God. जब मैं चंगाई को हासिल किया उसके बाद ही मैं जान लिया कि प्रभु को मेरे प्रति उसका मर्जी क्या है. To bring back to the plan of God only, God taken me in that path. मुझे प्रभु अपने योजना के बीच में लाने के लिए ही ऐसे एक बीमारी के मार्ग में प्रभु ने मुझे ले चला. Here also so many people are there. They want to do their own will and they want to go with their own plans. यहाँ पे कई लोग हैं जो अपना मर्जी को करने के लिए चाहते हैं, अपना योजना के प्रति दौड़ते रहते हैं. If you are doing your own plan, it will be fail end of your life. यदि आप अपने योजना को पूरा करने के लिए चाहते हैं तो एक दिन अपने जीवन में एक अभागा अंत को आप हासिल करोगे. But if you fulfill the plan of God, then you will save your soul and you will get ready for the coming of the Lord. यदि आप प्रभु का योजना को पूरा करने पर अपने प्राण को बचाकर प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो. जनरली एवरी मैन हैविंग डिजायर्स हिज ओन प्लान. साधारण तौर से सबका आग्रह है कि वे अपने योजना को पूरा करना है. हियर इज अ मैन्स प्लान इज अ जनरल प्लान इन द वर्ल्ड. यहाँ एक मनुष्य साधारण रीति से अपना योजना को ठहराया है. Every man wants to study in their life. सब लोग अपने जीवन में अच्छी रीति से पढ़ाई करने के लिए चाहते हैं. Every man desiring to study well. सारे लोग अच्छी रीति से पढ़ाई करने के लिए चाहते हैं. Nowadays government also helping the poor people to study. इन दिनों में सरकार भी दीन और दरिद्र लोगों को पढ़ाई के लिए सहायता करता है. After studying, जब वो अपने पढ़ाई को खत्म करेगा, he is searching for the job. वो काम के लिए ढूंढता है. Having the he got the job. उसको जब नौकरी मिल जाती है, then his plan is marry in his life. उसके बाद वो ब्याह के लिए इंतजार करता है. After planning the marriage, उसके so he married. उसके शादी के योजना के बाद जब उसका शादी हो जाता है, then he having the children also. उसके बाद उसके लिए बच्चा उत्पन्न होता. This is a routine life of the man he desiring in his heart. यही स्वाभाविक तौर से हर एक मानव जाति के भीतर रहने वाला एक आग्रह और आशा है. But he never think about his plan of God. लेकिन वो कदापि अपने जीवन में प्रभु के मर्जी के बारे में नहीं सोचता. When you read the John 1st chapter 13th verse, जब आप यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय के 13 वचन में आप आते हो. John 1st chapter 13, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय के 13 वचन. वे ना तो लहू से न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Not the will of the man. यो ये मनुष्य के इच्छा से नहीं. So man having his own desires and own plans. मनुष्य को अपनी योजना और अपना ही इच्छा है. This is a general view and general plan in his life. It is not wrong. It is not sin also. ये उसके जीवन में एक स्वाभाविक तौर से एक योजना है. ये पाप होकर नहीं कहलाया जा सकता. But where is wrong in his life? लेकिन उसके जीवन में रहने वाला गलती कहाँ है? He never went to God and he never asked the Lord what is plan concerning me. वो कदापि प्रभु के पास जाकर मेरे जीवन के प्रति प्रभु तेरा योजना क्या है करके नहीं पूछता. He is very busy in the studies only. वो संसार में अपने पढ़ाई के लिए बहुत व्यस्त रहता है. Nowadays Christians and Pentecostal children also they are very busy in tuition and studies but they never bother about the Sunday morning meeting.
एंड दे नेवर बॉदर अबाउट देयर स्पिरिचुअल लाइफ। इन दिनों में पेंतेकोस्ट लोग, नामदारी मसीह लोग पढ़ाई के लिए इतना मुख्यता देते हैं कि संडे सर्विस के लिए जाना है, वो सारे बातें उनके लिए ज्यादा मुख्यता नहीं रखता। दे विल लीव द संडे मीटिंग्स एंड गो टू द ट्यूशन। वे संडे मीटिंग को भी छोड़कर ट्यूशन में जाकर पढ़ाई करते हैं। दे नेवर बॉदर अबाउट द सर्विस एंड वर्शिप गॉड। वो कदापि आराधना करने के लिए और प्रभु को उपासना करने के प्रति चिंता नहीं रखते हैं। एनीहाउ ही स्टडी वेल। कैसा भी वो अच्छा पढ़ाई करता है। बिकॉज ऑफ द विजडम एंड नॉलेज गॉड गेव हिम, ही गॉट द जॉब ऑल्सो। उसके लिए प्रभु ने दिया वो अच्छा बुद्धि और ज्ञान के कारण एक अच्छा नौकरी भी उसको मिल जाता है। एंड मैरिड, और एक अच्छा शादी हो जाता है। फैमिली मेंबर, और एक अच्छा परिवार का सदस्य बन जाता है। बट लास्टली व्हाट हैपेंड, आखिरी में क्या होता। ही गोइंग ऑन थिंकिंग एट द एंड ऑफ हिज लाइफ। आखिरी में वो अपने जीवन के अंत के बारे में सोचता ही रहता। व्हाट इज माय लाइफ, मेरा जीवन क्या है। ऑफ कोर्स आई फिनिश माय फैमिली लाइफ। हां, मैंने अपने पारिवारिक जीवन को तो खत्म कर दिया। व्हाट इज माय एंड ऑफ माय लाइफ, अभी मेरे जीवन का अंतिम भाग कैसा होगा। If I die, where I am going to spend my eternity? यदि मैं मर जाता हूँ तो अपने नित्यता को कहाँ मैं बिताऊंगा। So it is too late for him and he going on thinking and sitting and crying and crying and crying with that terrible feelings only he will die. अभी उसके सोच के लिए बहुत देर हो जाता। अभी वो बैठकर गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए अपने अंदर ही व्याकुल हो जाता है। Because in young age he never remembered the creator God. क्योंकि वो अपने जवानी की उम्र में अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का स्मरण नहीं किया। In his job time, in his family time also he never accept the Lord. वो अपने नौकरी के समय, अपने परिवार के समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। But the end of his life only thinking that what I have done in my life. लेकिन अपने जीवन के अंतिम भाग में सोच रहा है कि मेरे जीवन से मैंने क्या किया। One great Alexander, everyone knows that. एक महा अलेक्जेंडर के बारे में आप सारे लोग जानते हैं। He conquered the whole world. उसने ये सारे संसार को अपने मुट्ठी में लाया। He want to enter into the India Asia also. और आखिरी में वो आसिया के अंदर या भारत देश के अंदर भी प्रवेश किया। Anyhow he conquered so many countries. कैसा भी उसने कहा सारे देशों को अपने मुट्ठी के नीचे लेकर आया। But he was a drunkard. लेकिन वो एक पीकर था। Same time he was a Christian. साथ ही साथ वो एक मसीही था। But he never realized about his own life and he never bothered about the mother's words. लेकिन वो अपने जीवन के प्रति और अपने माँ के शब्द के प्रति चिंता रही था। Lastly, he was sick. आखिरी में वो बीमार गिर गया। And near to die. और वो मृत्यु के पास आ पहुंचा। Then he have no time to save his soul. और आखिरी में अपने प्राण को बचाने के लिए कोई मौका उसको नहीं रहा। He called his assistant army member. तो उसने अपने सेना के असिस्टेंट को बुलाया। When I die, you put my two hands by side. जब मैं मरूंगा तब तू मेरे दो हाथ को फैला के रखना। पुट इन कॉफिन बट टू हैंड्स मस्ट बी पुट आउटसाइड। मुझे कॉफिन बॉक्स के अंदर रखना लेकिन मेरे दो हाथ फैला हुआ रहना चाहिए। इफ एनीवन से व्हाई इट हैपेंड, यदि कोई पूछने से कि इसके दो हाथ क्यों फैला हुआ है। टेल देम दैट अलेक्जेंडर टोल्ड लाइक दिस। तब उनको कहना कि ये सिकंदर ने ऐसे ही रखने के लिए कहा। आई केम इन द वर्ल्ड, मैंने ये संसार में आया। आई कॉन्कर होल वर्ल्ड, मैंने ये पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में ले आया। गॉड ओनली हेल्प मी टू कॉन्कर द वर्ल्ड। प्रभु ने मुझे सहायता के सारे संसार को मेरे मुट्ठी के नीचे लाऊं। बस आई वॉज अ ड्रंकर, लेकिन मैं एक पीकर हूँ। बस एंड ऑफ माई लाइफ, नथिंग हैपन इन माई लाइफ। मेरे जीवन के अंत में मेरे अंदर कोई भलाई नहीं रहा। आई कॉन्कर होल वर्ल्ड बट आई एन एबल टू सेव माई ओन सोल। मैंने ये पूरे संसार को अपने मुट्ठी में लेकर आया लेकिन मैं अपने प्राण को नहीं बचा सका। सो आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, इसीलिए मैं ये संसार से कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाता हूँ। दैट्स व्हाई ही डाइड लाइक दैट, इसीलिए वो उस रीति से मर गया। व्हेन मैन हैविंग हिज ओन plan end of his life when the age comes that time if is too late he will die with a sorrowful only. जब वो एक मनुष्य अपने जीवन में अपना ही योजना को रखता है तो जब उसके जीवन के अंतिम भाग में वो व्याकुल होकर निराशा होकर अपने जीवन को खत्म करता है। This is a man's plan. यही मनुष्य का योजना है। Dear child of God, you may have this plan in your life. प्रभु के लोगों, आपके जीवन में भी ऐसी कोई योजना आपने ठहरा कर रखा होगा। But what is your end of your life? लेकिन आपके जीवन का अंत कैसा होगा? Any time sat and any time you thought about that? क्या आप कभी बैठकर अपने जीवन के अंत के बारे में आपने सोचा है? Tonight you have to think about that. इस रात के समय आपको सोचना होगा।
path and only God will help you to deliver from your problems. तभी प्रभु आपके जीवन में आने वाले हर एक समस्या से छुटकारा प्रभु देगा. Dear child of God, secondly we are seeing about the devil plan. दूसरा प्रभु के लोग हम शैतान की योजना के बारे में देख सकते हैं. Here we are seeing the devil plan. यहाँ दूसरा चित्र में शैतान का योजना को आप देख सकते हैं. Second Timothy second chapter. दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय. Second Timothy second chapter 26th verse. दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय के 26वें वचन. This is a devil plan having the concerning man. यहाँ शैतान मनुष्य के प्रति अपना योजना को ठहराया हुआ है. और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए. And that they may recover themselves out of the snare of the devil. Snare of the devil. Who are taken captive by him at his will. Snare of the devil, and you have to deliver from this captivity. शैतान के फंदे से छुटकर उस बंधुआई से आपको अपने आप को बचाना होगा. Now this is the devil plan. यहाँ शैतान का योजना है. But people not thinking about that. लेकिन मनुष्य जाति कभी इसके बारे में सोचते नहीं है. Everyone thinking that what we are doing it is good, it is right. हर एक लोग ऐसे विचार रखते हैं कि जो कुछ वे करते हैं वही भला है और वही अच्छा है. When you read John 10 chapter 10th verse, जब आप यूहन्ना सुसमाचार 10वें अध्याय के 10वें वचन को आप पढ़ते हो. चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है. मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Luke 16 chapter 19th verse. लूको सुसमाचार 16 अध्याय के 19वें वचन. एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था. सो इट इज अ मैन्स प्लान. यही मनुष्य का योजना है. हियर वी आर सीइंग द डेविल प्लान. यहाँ शैतान का योजना को आप देख सकते हैं. डेविल जस्ट पुटिंग द स्नेर अपॉन द पीपल. यहाँ शैतान हर एक लोगों के सामने एक फंदा को फैला के रखता है. इन दैट ओनली दे आर ट्रैप्ड एंड दे आर कैप्टिव इन द हैंड्स ऑफ द डेविल. ये फंदे में वे फंसकर शैतान के हाथ में वे भंधुआ होकर चले जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग द वाइन. पहला एक मधु को देख सकते हैं. क्रिश्चियंस मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियन दे आर under the bondage of the wine only. यहाँ कई मसीह लोग इन दिनों में ये पीने के मधु के या शराब के अधीन में रहते हैं. So many people they are thinking that it is a habit, it is just time pass going on in their life. कई लोग ऐसे सोचते ये एक स्वभाव है कैसे भी हमको समय को निकालना है. From the young age only Christians going to start to drink. मसीह लोग जवानी की उम्र से ही पीने के आदत के अधीन हो जाते हैं. I also just trapped by the my friends I started to drink. मैं भी अपने मित्रों के साथ मिलकर ये पीने के अधीन में मैं चला गया था. But grace of God saved me from that bondage. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस बंधुआई से मुझे छुटकारा दिया. What is the power of the wine? ये मधु का ये सामर्थ क्या होता है? Isaiah 5th chapter 11th verse says. यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 5वां अध्याय के 11वें वचन में आने के समय. Isaiah 5th chapter 11th verse says. यशायाह 5 का 11. Woe unto them that rise up early in the morning, that they may follow strong drink, that continue until night, till wine inflame them. हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाकमधु पीते रहते हैं जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए. टिल मॉर्निंग टू टिल द नाइट दे आर गोइंग ऑन ड्रिंकिंग इन देयर लाइफ. वे भोर से लेकर रात तक अपने जीवन में पीते ही रहते हैं. अनटिल दे गेट वार्म एंड स्ट्रांग इन देयर बॉडी. जब तक उनके शरीर में गर्माहट नहीं चढ़ जाता. डियर चाइल्ड ऑफ गॉड इन द वर्ल्ड सो मेनी पीपल दे आर ड्रिंकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग दे विल गॉट अप एंड स्टार्ट द ड्रिंकिंग एंड टिल द नाइट दे आर गोइंग ऑन ड्रिंकिंग. ये संसार में कईयों को आप देख सकते हैं जो भोर के
तड़के उठकर शराब पीने के आदिन में चले जाते हैं और रात तक पीते ही रहते हैं। Proverbs 23 chapter 29 and 30 verses, जब हम नीति वचन 23वां अध्याय के 29वें वचन में पाने के समय Proverbs 23 chapter 29 to 32 verse when we read, नीति वचन 23वां अध्याय के 29 से लेकर 32वें वचन पाने के समय Because of the wine, because of the drink, people will be sorrow and pain. ये मधु के कारण और ये पीने के कारण लोग दुख और दर्द के आधीन में हो जाते हैं। And they are falling here and there and get the wounds in their life, in their bodies. वो यहाँ वहाँ गिर पड़ते हैं और उनके शरीर में घाव और उनके जीवन में दर्द को लाते हैं। After they are drunken, their eyes become a red, the Bible says. जब वो पीते हैं, जब पियकर बन जाते हैं, उनका आंख जो है वो लाल होता हो जाता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। Lastly, this wine will be biteous like a serpent. आखिरी में ये दाग मधु जो है वो सर्प के समान हमें डसता है करके प्रभु का वचन कहता है। रीड इन वन लैंग्वेज इन हिंदी, एक ही भाषा में हिंदी में पढ़िए। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनकी जो दाग मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाग मधु ढूंढने को जाते हैं, जब दाग मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका रंग सुंदर होता है और जब वो धार के साथ उंडेला चाहता है तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वो सर्प की नाई डसता है और करेत के समान काटता है। लास्टली इट विल बिकम ए serpent, it will bite like a serpent and destroy the life of the man. आखिरी में ये दाग मधु सर्प के समान एक मनुष्य को डसकर उसके जीवन को नाश कर देता है। So devil will trap by the alcohol and all the drugs. ये शैतान जो है दाग मधु के द्वारा कई नशीली पदार्थ के द्वारा लोगों को अपने फंदे में लाता है। Secondly, we are seeing about the mobile. दूसरा मोबाइल। मोबाइल इज वेरी नेसेसरी इन दीज लास्ट डेज। इस आखिरी दिनों में मोबाइल सबके लिए बहुत ही जरूरी है। इफ यू यूज दिस प्रॉपरली इट इज गुड फॉर यू। यदि हम अच्छी रीति से उसके इस्तेमाल करने पर वो हमारे लिए भला होकर रहता है। बट नाउअडेज द मोस्ट ऑफ द सिन डूइंग बाय द मोबाइल ओनली। लेकिन इन दिनों में कई पाप ये मोबाइल के द्वारा ही फैल गया। वेर एवर यू मे बी, वेर एवर दे मे बी, बट दे आर सिनिंग इन द बाय मोबाइल ओनली। अब वे कहीं भी और कहां भी रहने पर भी वे इस मोबाइल फोन के द्वारा के लिए जगह देते हैं। सो मेनी पीपल सीक्रेटली दे आर डूइंग द सिन इन मोबाइल। कई लोग गुप्त रीति से मोबाइल के द्वारा पाप के लिए जगह देते हैं। दे आर डूइंग द अडल्ट्री इन द मोबाइल। वे इस मोबाइल से व्यभिचार का पाप को करते हैं। दे आर सिनिंग बाय द वर्ड्स। वो अपने शब्दों के द्वारा पाप को करते हैं। बाय द नेट दे आर डूइंग सो मेनी अगली थिंग्स। और वो इंटरनेट के द्वारा कई बुरे बुरे और घिनौने कामों को करते हैं। बाय फेसबुक so many things they are seeing all filthy things in their life and defile their life. Facebook के द्वारा कई दिनों ने बातों को देखकर अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। Nowadays the mobile such a frequently we can get it. So many companies they are want to give the freely. And sim also they are giving freely. इन दिनों में कई जो नेटवर्क कंपनी जो है वो मुफ्त रीति से सिम देता है, मुफ्त रीति से डाटा देता है। Nowadays सिम का कॉस्ट ओनली 100 rupees. इन दिनों में सिम जो है आपको मुफ्त में केवल 100 रुपए में आपको मिल जाएगा। So many even the poor people also taking the mobiles and they are using. इन दिनों में कई दीन और दरिद्र लोग भी मोबाइल अपने हाथ में रखते हैं। Nowadays by the mobiles one man dealing with the 4 women. इन दिनों में ये मोबाइल के द्वारा एक व्यक्ति 4 स्त्रियों के साथ संबंध रखता है। They have the connection with the others. वे दूसरों के साथ संबंध को रखता है। Dear child of God, this mobile if you use properly it is good, but devil trapping through the mobile to just bring into the sin in your life and you are become an adulterer and a defiled person. ये मोबाइल को आप अच्छी रीति से इस्तेमाल करने पर ये मोबाइल आपके लिए भला होकर रहेगा, लेकिन शैतान ने ये मोबाइल के द्वारा एक फंदा को बिछाया
ताकि हर एक लोग उस फंदा में फंसकर उसके द्वारा व्यभिचार और कई घिनौने बातों के अधीन में वे हो जाए। नाइट लेट आवर्स गोइंग ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग। रात के देर समय भी वे बात करते ही रहते हैं। आवर्स टुगेदर गिविंग द मैसेजेस एंड सिनिंग इन देयर लाइफ। घंटों घंटों तक वे संदेश को बेचते हैं और वे अपने जीवन में पाप के लिए जगह देते हैं। डियर चाइल्ड ऑफ गॉड, थ्रू द मोबाइल सो मेनी पीपल ट्रैप बाय द डेविल। प्रभु के लोगों, इस मोबाइल फोन के द्वारा कई लोग शैतान के फंदे में फंस गए। थर्डली वी आर सीइंग अबाउट द कार्टून। तीसरा कार्टून। Nowadays it is a very interest for the young people, especially children. इन दिनों में कई छोटे बच्चे और जवान लोगों के लिए ये छाने वाला एक वस्तु है। They don't want even to eat also. वे कुछ लोग खाने के लिए भी नहीं चाहते हैं। Hours together they are sitting and going on seeing the cartoon. घंटों घंटों तक कार्टून के सामने वे बैठे रहते हैं। Because of the cartoon, so many people they are mad also. कुछ लोग ये कार्टून के कारण वे अपने वे पागल हो गए हैं। By the grace of God in Nagpur, more than 35 members went to heaven and hell. परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे नागपुर केंद्र सेंटर में लगभग 35 लोग स्वर्ग और नरक का दर्शन देखे। रिसेंटली वी कंडक्ट द यूथ मीटिंग। अभी हम हाला में हमने एक जवानों का सभा चलाया। 16 चिल्ड्रन वेंट टू हेवन एंड हेल। 16 बच्चे नरक और स्वर्ग का दर्शन को वे देखकर आए। सो मेनी चिल्ड्रन टोल्ड दैट दे सॉ द चिल्ड्रन दे आर इन द हेल फायर। कई लोगों ने इसे कहा कि उन्होंने नरक के आग में बच्चों को तड़पते हुए देखा। दे नेवर सीन एनीथिंग। उन्होंने कोई अपने जीवन में पाप तो नहीं किया। बट ओनली सीइंग द कार्टून डे एंड नाइट। वे रात और दिन ये कार्टून नेटवर्क को देखते रहते हैं। डेविल गोइंग ऑन अट्रैक्टिंग देम। शैतान उनको उसके द्वारा अपने फंदों में फंसा देता है। नथिंग इज देयर, जस्ट इज गेम ओनली। वो तो कुछ नहीं, केवल एक खेल है। बट जस्ट दे आर टाइम पासिंग। केवल वे अपने समय को बिताते हैं। चिल्ड्रन फॉरगेट देयर क्रिएटर गॉड एंड दे आर एंजॉइंग द क्रिएशन विच इज इन द वर्ल्ड। बच्चे अपने सृजनहार परमेश्वर को भूलकर जो सृष्टि है उस सृष्टि को देखकर वे आनंद मनाते हैं। दैट्स व्हाई सो मेनी चिल्ड्रन वॉन्ट बाय गॉड बट दे नेवर लिसन, दे आर इन द हेल फायर। कई बच्चे प्रभु के द्वारा कई चेतावनी को प्राप्त करने के बाद भी उसको कान नहीं लगाने के कारण आज वो नरक में धड़प रहे हैं। दे विल ट्रैपिंग सो मेनी चिल्ड्रन, क्रिश्चियन चिल्ड्रन ट्रैपिंग बाय दिस कार्टून। शैतान कई बच्चों को इस कार्टून के द्वारा अपने फंदों में फंसा दिया। डियर चाइल्ड ऑफ गॉड, वी हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट अवर चिल्ड्रन, अदरवाइज दे वोंट लिसन इन योर लाइफ। प्रभु के लोगों, हमारे बच्चों के प्रति हम बहुत ही सतर्क रहना, नहीं तो वो अपने बात को नहीं मानेंगे। लास्टली दे विल जस्ट रेबिलियन अगेंस्ट यू। और आखिरी में वो आपके विरोध में भलवा करने लगेंगे। यू वोंट लीव देम, दे विल से वी विल डाई, अदर वी विल लेफ्ट द हाउस। यदि आप उनके मर्जी में नहीं छोड़ेंगे तो वे कहेंगे मैं मर जाऊंगा, नहीं तो घर छोड़ दूंगा। सो दैट सच टेरेबल डेज इज गोइंग टू कम। वैसे एक भयानक समय आ गया है। नेक्स्ट वी आर सीइंग डेविल ट्रैपिंग बाय द ब्यूटी ऑफ द पीपल। और अगला हम देख सकते हैं, संसार में शैतान एक सुंदरता के कारण दूसरों को अपने फंदे में फंसाता है। सो मेनी पीपल दे आर एडिक्ट टू द ब्यूटी पार्लर। कई लोग ब्यूटी पार्लर के प्रति वाकई दिलचस्पी रहते हैं। विदाउट दैट दे वॉन्ट ड्रेस अप एंड दे वॉन्ट जस्ट गो आउट ऑल्सो। उसके बिना वे बाहर नहीं जा सकते, उसके बिना वे अपने आप को तैयार नहीं कर सकते हैं। दे आर टेकिंग द एक्स्ट्रा ब्यूटी इन देयर लाइफ। वे अपने जीवन में अपने आप को और भी सुंदर बनाना, वही उनका मनसा है। अट्रैक्टिंग द पीपल एंड मेक देम टू सिन। वो ये चाहते हैं कि लोगों को अपने प्रति आकर्षण करना और उनके प्रति पाप होना। रिसेंटली आई सॉ दैट वन ऑफ अवर बिलीवर्स हस्बैंड ही इज नॉट सेव्ड। हाला में ऐसे एक हमारे विश्वासी का पति जो उद्धार नहीं प्राप्त किया। बट ही वॉज वेरी सिंपल सिंस लास्ट ईयर। वो गया साल तक वो बहुत ही एक साधारण व्यक्ति होकर अपने आप को वस्त्र धारण करता था। बट ही वॉज ट्रैप्ड बाय वन वुमन। लेकिन वो एक स्त्री के द्वारा वो एक फंदे में फंस गया। लास्टली
He went to beauty parlor. आखिरी में ये व्यक्ति जो है वो ब्यूटी पार्लर चला गया. And he make up himself. और वे अपने आप को अच्छा सुंदर बनाया. When I saw his photo, he's just like an actor only. जब मैं उसको देखा तो मैं उसको एक एक्टर के समान उसको देखा. That much he make up. उतना अपने आप को वो सुंदर बनाया. What I want to say. मैं क्या कहने के लिए चाहता हूँ. Because of the beauty, makeup and doing everything, attracting the people, trapping in the sin. कई लोग अपने आप को सुंदरता बनाने के कारण दूसरों को अपने और आकर्षित करके पाप में गिर जाते हैं. That's why devil attracting by the beauty only. इसीलिए शैतान एक व्यक्ति को ये सुंदरता के कारण अपने फंदों में फंसा देता है. Dear child of God, so many people, even the married persons also, they are deceived by the beauty. प्रभु के लोगों कई लोग और क्यों नहीं कई शादी ब्याह किए हुए लोग भी ये सुंदरता के कारण उसके फंदे में फंस गए हैं. Tonight we have to examine ourselves. इस रात के समय हमें अपने आप को जांचना होगा. Our beauty must be the godly beauty. हमारा सुंदरता प्रभु का सुंदरता होना चाहिए. Believers must read the 1 Peter 3:3. हर एक विश्वासी लोग पहला पत्रस तीसरा अध्याय के तीसरा वचन को पढ़ना होगा. 1 Timothy 2:9 यू कैन रीड. पहला तिमोथी दूसरा अध्याय के नौवां वचन को भी आप पढ़िएगा. As a godly people we must dress up and make up in our life. हमारे जीवन में एक भक्ति होकर भक्तिहीन लोग होकर हम अपने आप को वस्त्र धारण करना चाहिए. What is the 5th one? पांचवा क्या है? That is a music, rock music and pop music going on increase in the world. वो एक संगीत है, रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक जो ये संसार में बढ़ता जाता है. Like young people nowadays, they are very interested in the rock music and pop music everywhere. इन दिनों में जवान लोग हर एक जवान उनके अंदर रॉक म्यूजिक और पॉप म्यूजिक ये संगीत के लिए कई बहुत दिलचस्पी रखते हैं. So many names given by the music also. ये म्यूजिक के लिए संगीत के लिए कई नाम रखा गया है. Jazz music and country music. Jazz music, country music. And rap music. Or rock music. Ramp music. Like that, so many children, they are making so many types of the music in, and they are in, addict and just they are in the music only. इन दिनों में ऐसे कई संगीत के ऊपर वे मन लगाए हुए हैं और इसके प्रति वे लगाव रखते हैं. They are just forgetting themselves. They are forgetting themselves and they are doing so many sorts of sinful life in the music. ये संगीत के कारण वे अपने जीवन को भूल जाते हैं और कई पाप के लिए अपने जीवन में जगह देते हैं. And defile themselves in their life. और वे अपने जीवन को अशुद्ध कर देते हैं. I saw so many young people, they are defiled with naked in the music time. मैं कई जवान लोगों को देखा ऐसे संगीत बजने के समय वे अपने आप में बेहोश होकर अपने आप को नंगा कर देते हैं. Dear child of God, the music only, they will trapping so many young people nowadays. प्रभु के लोगों ये संगीत के कारण कई लोगों को शैतान ने अपने फंदे में ला गया. Sixth one we are seeing about the टीवी. छठवा टीवी के बारे में देख सकते हैं. टीवी इज ए मैड फॉर द एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड. आज के दिनों में संसार के हरेक लोगों के लिए टीवी एक पागलपन का चीज है. Isaiah 2:16 का पुस्तक दूसरा अध्याय के 16 वचन ऐसा कहता है. Isaiah 2:16 ईसाया भविष्यवक्ता का पुस्तक दूसरा अध्याय के 16 वचन. तर्शीश के सब जहाजों और सब सुंदर चित्रकारी पर वो दिन आता है. And upon all the ships of Tarshish and upon all pleasant pictures. Nature. And the loftiness of man shall be bowed down and the haughtiness of men shall be made low. Present pictures. If you see the present pictures, you will receive the curse or the wrath from God. यदि हम सुंदर चित्रकारों के ऊपर नजर रखते हैं तो परमेश्वर का न्याय नहीं तो क्रोध हमारे ऊपर आ पहुंचेगा. Heart attack comes because of so many sounds coming through the TV. Heart attack जो है दिल का बीमारी जो है कई लोग है ये टीवी के वो देखने के कारण आता है. So many children of God, they are day and night seeing the TV. Sometimes they are eating and going on seeing. And they are mad in the TV in their life. कई प्रभु के लोगों खाने के समय में भी लगातार टीवी को देखते देखते पागलपन होकर बदल गए हैं. So many young people are learning about that, seeing the TV and learning so many things. इन दिनों में कई जवान लोग टीवी को देखकर कई बातों को सीखते हैं.
So many people, they are becoming robbers and murderers because of the TV. इन दिनों में टीवी के कारण कई लोग हत्या करने वाले होकर, चोरी करने वाले होकर और ढाका डालने होकर बदल गए हैं. Childrens, they are acting like loving others with acting and they are fighting like others who are when they see that cinema and TVs. जब बच्चे लोग टीवी को देखते हैं और चित्र को देखते हैं तो वो दूसरों को प्रेम करने के लिए और दूसरों को नफरत करने के लिए और दूसरों को दूसरों से लड़ाई करने के लिए सीख लेते हैं. Lastly, their eyes become a dim only seeing the TV. और आखिरी में टीवी देखकर उनका आंख धुंधला हो जाता है. Yeah, child of God, through the TV, so many children of God trapped in the sinful life. प्रभु के लोगों, ये टीवी के कारण कई लोग पाप में फंस गए हैं. Nowadays in the TV is naked pictures going on, coming in the secret time, night time they are going on seeing. इन दिनों में टीवी में कई रात के समय, अंधेरे के समय कई अश्लील चित्र को डालते हैं. नेकेड पिक्चर्स, और नंगे चित्र को डालते हैं. एंड दे आर सिनिंग इन देयर लाइफ, और वे अपने जीवन में पाप के लिए जगह देते हैं. टाइम इज नॉट परमिटिंग, सेवंथ वी आर सीइंग अबाउट द लैपटॉप. जगह समय हमें जगह नहीं देता, सातवां लैपटॉप को देख सकते हैं. थ्रू द लैपटॉप ऑल्सो डेविल ट्रैपिंग सो मेनी पीपल. इन दिनों में लैपटॉप के द्वारा भी शैतान कईयों को अपने फंदे में लाता है. इन द लैपटॉप इज सो मेनी यंग पीपल, इवन द ओल्ड पीपल ऑल्सो डूइंग द सीक्रेट सिंस. इन दिनों में लैपटॉप के द्वारा जवान और बुजुर्ग लोग कई पाप के लिए जगह देते हैं. बिकॉज दे आर सीइंग द नेट एंड सीइंग द सो मेनी थिंग्स थ्रू द नेट. लोग लैपटॉप में इंटरनेट को यूज करते हैं और नेट में कई बातों को वो देखते रहते हैं. Dear child of God, father, mother, tears, thinking that my child is studying in the night time in the laptop. Mata pita aisa sochte hain, mere bacche raat ko baith kar ve achhi riti se padhai karte rehte hain. But they are seeing the laptop, so many ugly things and filthy cinemas. लेकिन ये बच्चे रात को लैपटॉप में बैठ के कई अशुद्ध बातों को, अश्लील बातों को देखकर अपने मन को बिगाड़ देते हैं. Dear children of God, like this devil going on putting the trap and going on bringing the sin in their life. ऐसे प्रभु के लोगों, शैतान परमेश्वर के लोगों के ऊपर कई फंदा को बिछा कर रखा है. Tonight examine our life where we are trapped in this picture. आज रात के समय हमारे एक लोग अपने जीवन को जांच कर देखिएगा, आप कौन से बातों में, फंदे में फंसे हुए हैं. This is a devil plan. यही शैतान का योजना है. Devil wants to kill your life. शैतान आपके जीवन को नाश करने के लिए चाहता है. Devil wants to kill your body. शैतान आपके शरीर को नाश करने के लिए चाहता है. Lastly, devil wants to destroy your soul. आखिरी में शैतान आपके प्राण को नाश करने के लिए चाहता है. That's why tonight examine our life. इसलिए इस रात के समय अपने जीवन को जांच के देखिए. आर वी इन द डेविल प्लान, क्या हम शैतान का फंदे में हैं? एंड इफ यू आर इन द डेविल प्लान, जस्ट क्राई अन टू गॉड, गॉड विल डिलीवर यू. यदि आप शैतान का योजना में फंसे हुए हैं तो प्रभु की ओर देखकर पुकारिए, प्रभु आपको छुड़ाएगा. इन द वर्ल्ड सो मेनी पीपल ट्रैप बाय दिस थिंग्स, दे आर अनेबल टू कम आउट फ्रॉम दिस हैबिट्स एंड सिनफुल लाइफ. संसार में कई लोग इस स्वभाव में बंधे हुए हैं और वे अपने आप को इस स्वभाव से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं. Nowadays the people telling that what is the sin, what is the wrong doing all these things. इस दिनों में ऐसे लोग पूछते हैं, ऐसे बातों करने में क्या गुनाह है, क्या गलती है. Dear child of God, because of the wine you are forgetting your creator God. पहला, हम दाग मधु के कारण हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम भूल जाते हैं. बिकॉज ऑफ द मोबाइल you are forgetting your God to worship God and just pray and praising God. ये मोबाइल फोन के द्वारा हमारा परमेश्वर को भूलकर उसको स्तुति, धन्यवाद, प्रार्थना करने वाले चीज को मुख्यता नहीं देते हैं. If it is an important mobile, they will stop the vehicle on the road, टू व्हीलर एंड गोइंग ऑन टॉकिंग ऑन द रोड्स ओनली. मोबाइल इतना मुख्यता हो गया है कि आपने वाहन को बीच रास्ते में खड़े रहकर मोबाइल में बात करते रहते हैं. व्हाट आई वांट टू से दैट इज टेकिंग अवे फ्रॉम द लॉर्ड. मैं ये क्या कहने के लिए चाहता हूँ, ये मोबाइल फोन एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर ले जाता है. बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स यू आर अवे फ्रॉम द लॉर्ड. ये सारे पाप के कारण एक मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया है. टुनाइट यू कम आउट फ्रॉम द प्लान ऑफ द डेविल. आज रात के समय ये शैतान की योजना से आप बाहर निकलिए. नेक्स्ट वी आर सीइंग द मैन्स ओन प्लान.
दूसरा मनुष्य का अपना योजना. दिस इज ऑर्डिनरी मैन्स प्लान, एवरीवन हैविंग देयर ओन डिजायर्स. ये मनुष्य का एक स्वाभाविक योजना है, हर एक लोगों के अंदर ऐसे कई आग्रह पाया जाता है. हियर वी आर सीइंग द मैन्स ओन प्लान. यहाँ मनुष्य का अपना खुद का योजना को देख सकते हैं. इफ यू हैव योर ओन प्लान, वन डे यू विल डिस्ट्रॉय योर ओन लाइफ. यदि आपको अपना खुद का योजना है तो एक दिन आपका जीवन को आप खत्म कर देंगे. रीड प्रोवर्ब्स 16 चैप्टर. आप पढ़िएगा नीति वचन 16 अध्याय 25 वर्स. 25वां वचन. देयर इज अ वे दैट सीमथ राइट अनटू अ मैन बट द एंड थेरऑफ आर द वेज ऑफ डेथ. ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिख पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है. 14 चैप्टर 12 वर्स. 14 अध्याय के 12 वचन. ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Now here we are seeing that man having the his own plan, that in his sight it seems that is a good path, is going in his own path. यहाँ मनुष्य अपने लिए एक योजना रखा है, वो अपने लिए एक मार्ग को ठहराया है, वो उसके लिए ठीक लगता है और उसमें आगे बढ़ चलता है. Because they have their own plan. क्योंकि उसके लिए अपने लिए एक योजना ठहराया है. But this path will take you lastly end, that is a totally destruction of your second death, otherwise death of your life. लेकिन ये मार्ग अंतिम में उसके जीवन को अंतिम मृत्यु या दूसरा मृत्यु जो विनाश है वहाँ पहुँचाएगा. What is own plan in his life? ये उसके लिए ठहरा है, वो उसका अपना योजना क्या है. First of all, he was own plan about his examination. प्रथम तौर से वो अपने परीक्षा के प्रति चिंता रखता है. When he fail in his examination, he want to suicide in his life. जब वो अपने परीक्षा में फेल हो जाता है तो अपने आप को खत्म करने के लिए निर्णय लेता है. यू हैव इन हिज ओन प्लान टू मैरी अ पर्सन. जो वो अपने लिए एक योजना रखता है उसको एक प्रत्येक व्यक्ति के साथ ब्याह करना है. नाउअडेज़ वी सॉ सो मेनी मैरिज दे फेल्ड बिकॉज दे प्लान्ड हिज ओन प्लान ओनली दे मैरिड एंड विद इन वन मंथ वन ईयर दे विल डिपार्ट फ्रॉम देयर लाइफ. इन दिनों में कई ब्याह को देख सकते हैं जो ब्याह हरावट में खत्म हो गया क्योंकि वे अपने लिए चुनते हैं लेकिन वो ब्याह एक महीना या कुछ दिन के बाद है वो ब्याह निष्फल हो जाता है. When their marriage failed, immediately they want to suicide. जब उनका ब्याह जो टूट जाता है तो तुरंत वे अपने आप को खत्म कर देते हैं. When they fail their love affairs, they want to suicide. जब वो अपने प्रेम में हरावट को सामना करते हैं तुरंत वो अपने आप को खत्म कर देते हैं. When they fail in their business, their own desires, they want to finish their life. जब वो व्यापार में हरावट को सामना करते हैं उनका जो आग्रह है वो आग्रह पूरा नहीं होता तो अपने आप को खत्म करते हैं. When there is no prosperity in their life, in their field, they want to finish in their life. जब वो अपने मार्ग में सफलता को सामना नहीं करते तो अपने आप को खत्म कर देते हैं. In आंध्र साइड इन सो मेनी फार्मर्स when they are failing in their field business, they suicide so many people. आंध्र प्रदेश में कई किसान लोग जब उन्होंने सफलता को हासिल नहीं किया तो अपने आप को उन्होंने खत्म कर दिया. Dear child of God, when they lost their riches, they want to suicide their life. प्रभु के लोग जब वो अपने धन को खो बैठते हैं तब वो अपने आप को मार देते हैं. Dear child of God, so many people, they have their own plans. प्रभु के लोगों कई लोगों के लिए अपने लिए कई योजना को उन्होंने ठहरा कर रखा है. बट दे आर फेल इन देयर लाइफ. लेकिन वे अपने जीवन में हरावट को सामना करते हैं. व्हाई दे आर फेल. क्यों वे हरावट को सामना करते हैं. बिकॉज़ देयर ओन विल इज नॉट सक्सेस. क्योंकि वे अपने खुद के योजना में सफलता को नहीं प्राप्त करते हैं. टुनाइट एग्जामिन योरसेल्फ देयर इज एनी ओन प्लान इन योर लाइफ. आज रात के समय अपने जीवन को जांच के देखिए आपके लिए अपना कोई योजना आपने बनाकर रखा है. That plan will be destroyed in the end of your life. वो योजना आपके जीवन में पराजय होकर बदल जाएगा. When we see in the word of God, जब हम प्रभु के वचन में आते हैं, there we are seeing Lord Jesus Christ told some examples. वहाँ प्रभु के वचन में प्रभु ने कई उदाहरण को दिया है. Matthew 6 chapter, मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय, read the 25th verse. 25वां वचन पढ़िए. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?
इसलिए मैं तुम 31st verse 31वां वचन पढ़िए. Therefore take no thought saying what shall we eat or what shall we drink or wherewithal shall we be clothed. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे. क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं. इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे. दिस इज अ मैन्स प्लान, इज़ ओन प्लान. यही मनुष्य का अपने खुद का योजना है. व्हाट टू ईट, क्या मैं खाऊं. व्हाट टू वेयर, क्या मैं पहनूं. व्हाट टू ड्रिंक, मैं क्या पीना है. दिस इज अ मॉर्निंग टू इवनिंग his own plan. So भोर से लेकर रात तक यही वो सोचता रहता है. लॉर्ड जीसस का टोल्ड डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स. प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये सारे चीजों के लिए चिंता नहीं रखना. हेवनली फादर नोस अबाउट दैट. हमारा स्वर्गीय पिता ये सारे जरूरत के लिए वो ध्यान रखता है. बट यू मस्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड राइटियसनेस फर्स्ट. लेकिन आपको पहले परमेश्वर का राज्य और उसके धार्मिकता का खोज ही रखना होगा. सी द बर्ड्स इन द वर्ल्ड हाउ द हेवनली फादर फीडिंग देम. ये संसार में पक्षियों को देखो कैसे हमारा स्वर्गीय पिता उसका चिंता करता है. गॉड फीडिंग देम. प्रभु उनका भोजन देता है. एवरी डे गॉड फीडिंग देम. हर दिन उनके लिए भोजन देता है. दे आर नॉट लेबर, दे आर नॉट सॉ एनीथिंग, दे आर नॉट ब्रिंग एनी क्रॉप्स इन देयर लाइफ. वे तो कभी बोते नहीं है, वे कभी काटते नहीं है. But they are fed by the Father, Heavenly Father. लेकिन वे अपने स्वर्गीय पिता के द्वारा उनको भोजन दिया जाता है. But in the world, everyone having this mind only, what to eat, what to drink, what to wear. लेकिन इस संसार में हरेकों के अंदर एक चिंता है. क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं? Dear child of God, leave that own plan and just seek the righteousness and the kingdom of God. प्रभु के लोग अपने योजना को छोड़ दीजिए और प्रभु के धार्मिकता को आप ढूंढते रहिएगा. Then God will show His own plan for concerning you. तब प्रभु आपके जीवन में अपने योजना को प्रकट करके देगा. लूक 16 चैप्टर 19 वर्सेस. लूकास समाचार 16 अध्याय के 19 वचन में माने के समय. देयर वी आर सीइंग वन रिच मैन. वहाँ एक धनवान को आप देख सकते हो. लॉर्ड ओनली टोल्ड अबाउट दैट. वहाँ प्रभु ने ही उनके बारे में कहा है. एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fed sumptuously every day. This is a man's plan every day. यही मनुष्य का योजना हर एक दिन है. He is a rich man. वो एक धनवान है. He having a lot of the money. उसके लिए बहुत पैसा इकट्ठा किया है. He have the lots of the friends also. उसके लिए बहुत मित्र भी है. And he enjoy the world. और वो इस संसार में सुख विलास के साथ जीवन बिताता है. In a day, 3-4 times he change dress. एक दिन में 3 और 4 बार वो कपड़े को बदल देता. Luxuriously, very luxuriously eating and drinking. सुख विलास के साथ खाता है और पीता है. एंड ही वॉज अ रिच मैन एंड ही वॉज एंजॉय द वर्ल्ड. वो एक धनवान है और इस संसार के रहे सुख को अनुभव करता है. बट ही इज अ क्रिश्चियन. लेकिन वो एक मसीह है. ही नोज अब्राहम. वो अपना पिता को जानता है. ही सॉ एंड फाइंड आउट दैट ही इज अब्राहम. उन्होंने अपना पिता को देखा और पहचान लिया. नाउडेज क्रिश्चियंस ऑल्सो वॉन्ट टू लिव ए लग्जोरियस लाइफ इन द वर्ल्ड. इन दिनों में संसार में मसीह लोग भी सुख विलास के जीवन को चाहते हैं. बट एंड ऑफ दैट लाइफ विल बी डिस्ट्रक्शन ओनली. लेकिन वो जीवन का अंत बिना का ठहरेगा. दैट मैन रिच मैन डाइड एंड वेंट टू द हेल फायर. ये धनवान मर गया और नरक के आग में चला गया. बट लाजर वॉज ए पूर मैन. लेकिन यहाँ एक दरिद्र लाजर को देख सकते हैं. बट ही लिव बाय फेथ. लेकिन वो विश्वास से जीवन बिताया. ही वर्शिप गॉड. वो प्रभु का आराधना किया. ही हैव नो फूड. उसके लिए भोजन नहीं था. सिकनेस टॉर्मेंटिंग डे एंड नाइट. हर दिन और रात उसके लिए बीमारी उसको पीड़ा दिया. बट एंजल्स ऑफ गॉड केम एंड टेकन हिज सोल. स्वर्गदूत आके उसके प्राण को ले गए. डियर चाइल्ड ऑफ गॉड, ओन प्लान विल टेक यू टू द हेल फायर. प्रभु के लोगों, आपका योजना आपको नरक के आग में ले जाएगा. वन मोर रिच मैन वी आर सीइंग. और एक धनवान को आप देख सकते हैं. लूक 12 चैप्टर. लूक का सुसमाचार 12वां अध्याय 16th verse and 21st verse. 16वां वचन और 21वां वचन. उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई. परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा. तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा. ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं. एंड ही स्पीक अ पैराबल अनटू देम सेइंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्टन रिच मैन ब्रॉट फोर्थ
plentifully, so is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. 25th. तुम्हें से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? And which of you, with taking thought, can add to his stature one cubit? One rich man having the field, and he saw so many things, and the crop is increased, and it brought so many grains. यहाँ एक धनवान को देख सकते हैं, उसने बोया और उसके लिए बड़ा धान मिला, वो अपने बरकारियों को तोड़कर वो बड़ी बड़ी अन्न को संपत्तियों को वो इकट्ठा किया. That means he gathered everything and told his soul that and just open his godowns and make it big one and fill the grain in that. उसने अपने जीवन में हर एक धन को बटोरा और अपने बटकारियों को थोड़ा उसको बड़ा किया और अपने हरेक अन्न और संपत्तियों को उसमें इकट्ठा करने लगा. He is going on telling with joy on it, my soul, so many things I gather for you, you eat and drink and rejoice. वो आनंद के साथ अपने प्राण को देकर कहता, हे प्राण, तेरे लिए मैंने बहुत कुछ इकट्ठा करके रखा है, पी खा और आनंद मना. But one sound coming from heaven. लेकिन स्वर्ग से एक आवाज उसको सुन पड़ता है. Oh, the fool. हे तू मूर्ख है. If you die tonight, who going to spend? Otherwise, who going to enjoy whatever you gather in your life? यदि आज रात को तू मर जाता है, जो कुछ तूने इकट्ठा करके रखा है, उसको कौन है? अनुभव करेगा. Dear child of God, in the world, so many people are having the same position. प्रभु के लोग इस संसार में कई लोग इस दर्जे में पाए जाते हैं. They are gathered with the labor, day and night, they gather everything, but they never eat. दिन और रात हर एक बातों को वो इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं. Lastly, their children, otherwise their relations will take it and enjoy. आखिरी में उनके बच्चे, नहीं तो उनके बंधु मित्र उनके इकट्ठा किया वस्तुओं को अनुभव करते हैं. Having the own friends and they want to live in the world and they never bother about the church and they never bother about the heavenly father. मित्र को कमाते हैं, ये संसार में अच्छे अनुभव करने के लिए चाहते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता के प्रति, आराधना के प्रति कोई चिंता नहीं है. Like a prodigal son, they will destroy their own wealth. बूढ़ा पुत्र के समान है, पिता के हर एक धन को उड़ा देते हैं. They never bother about the church also. वे कलीसिया के प्रति चिंता नहीं रखते हैं. Nowadays so many people skip from the church, they are never going to the church on Sundays. इन दिनों में कई मसीही लोग इतवार को भी कलीसिया में जाने के लिए नहीं चाहते हैं, छोड़ देते हैं. They are not worshipping God. वे प्रभु को आराधना नहीं करते हैं. Last what happened? आखिरी में क्या हुआ? They fail so many things in their life. वो अपने जीवन में कई बातों में पराजय को हासिल करते हैं. Because they have their own plans, they fail in their life. क्योंकि उनके लिए अपने कोई कई योजना है, इसीलिए वे पराजय को हासिल करते हैं. They want to destroy their lives. वे अपने जीवन को खत्म करने के लिए चाहते हैं. Last the fear will torment and fear will hunting them day and night. आखिरी में डर उनको हर एक दिन थड़पाते उनको मार देता है. Nowadays so many people, they are die because of the fear only. इन दिनों में कई लोग अपने जीवन में रहने वाले डर के कारण मर जाते हैं. The fear hunting the people. उनका डर उनको हर एक दिन थड़पाता रहता है. Because they lost, they have their own plans. क्योंकि उनके लिए अपना ही खुद का योजना है. They want to settle their life according their own plans. क्योंकि वे अपने जीवन को अपने योजना के प्रति ठहराने के लिए चाहते हैं. Lastly, what happened? आखिरी में क्या हुआ? They will going on feeling day and night. आखिरी में हर एक दिन और रात उनके अंदर अपना एक खाली अनुभव को महसूस करते हैं. And feeling that there is no insecurity. वो ऐसे एक महसूस करते हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं. No safety in my life. उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है. What I have to do? मैं क्या करूं? It is better to die as a suicide. बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं, नहीं तो अपने आप को खत्म कर दूं. And every day and night the doubt will work in their hearts. दिन और रात उनके अंदर एक संदेह आता रहता है. Because their own plans, the doubts increase in their life. उनके अंदर उनका खुद का योजना रहने के कारण संदेह बढ़ जाता है. Lastly, they won't believe their own life also. आखिरी में वो अपने खुद के जीवन को भी विश्वास नहीं करते हैं. When the man started his own plans, lastly they will destroy their own life. जब मनुष्य अपना खुद के योजना के ऊपर दौड़ता जाता है, तो
आखिरी में उसका जीवन अभागा होकर बदल जाता है। डियर चाइल्ड ऑफ गॉड एग्जामिन अवर सेल्फ वेयर वी आर। प्रभु के लोगों आज अपने जीवन को परीक्षा करके देखो आप कहाँ है। वेयर वी आर इन अवर लाइफ। आपके जीवन में आप कहाँ हो। टुनाइट वी हैव टू एग्जाम। इस रात के समय आपको जांचना होगा। इन द वर्ल्ड व्हाट हैपनिंग। इस संसार में क्या हो रहा। द सिन इंक्रीजिंग। पाप बढ़ता जाता है। बिकॉज ऑफ ओन प्लान्स। क्योंकि उनका खुद का योजना है। बिकॉज ऑफ द डेविल प्लान। क्योंकि शैतान का योजना है। बिकॉज ऑफ मैन्स प्लान। क्योंकि मनुष्य का योजना है। दे आर अवे फ्रॉम गॉड एंड द सिन इंक्रीज इन देयर लाइफ। वे परमेश्वर से दूर हो जाता है। पाप उनके जीवन में बढ़ता जाता है। दैट्स व्हाई योर चिल्ड्रन ऑफ गॉड टुनाइट गॉड कॉलिंग यू टू कम टू द प्लान ऑफ गॉड। इसीलिए प्रभु के लोगों आज रात के समय प्रभु अपने और आपको बुलाता है ताकि आप परमेश्वर की मर्जी के बीच में आ जाओ। इफ कम टू द प्लान ऑफ गॉड गॉड विल सेव योर सोल। यदि आप परमेश्वर की योजना में आएंगे तो प्रभु आपके प्राण को बचाएगा। गॉड विल डिलीवर फ्रॉम ऑल योर बॉन्डेज। प्रभु आपके हर एक बंधन से आपको छुटकारा देगा। थ्रू द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। व्हाट इज द प्लान ऑफ गॉड। प्रभु का योजना क्या है। एफेसियन्स फर्स्ट चैप्टर। एफेसियन्स के पत्रिका पहला अध्याय। एफेसियन्स फर्स्ट चैप्टर। एफेसियन्स के पत्रिका पहला अध्याय 4-7 वर्सेस। 14-7 वचन। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंत मेंत दिया हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। According as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, wherein he had made us accepted in the beloved, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace. According to the riches of grace, God wants to forgive your sin and make you a holy person in the world. उसके अनुग्रह के धन के अनुसार वो आपके पापों को क्षमा करने के लिए चाहता है। 1 Timothy 1:15 and Paul says. पहला तीमोथी पहला अध्याय के 15 वचन में संत पौलुस कहता है। 1 Timothy 1:15 पहला तीमोथी पहला अध्याय के 15 वचन। ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। Sir Paul says that I was a chief sinner. यहाँ संत पौलुस कहता है मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। But Lord Jesus came in the world to give the salvation for the mankind. हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया था कि मानव जाति को उद्धार लाए। That we may saved. ताकि हम उद्धार को हासिल करें। 1 Timothy 2:4-6 verses. पहला तीमोथी दूसरा अध्याय के 14-6 वचन में आने के समय Lord Jesus Christ is a mediator between God and man. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक मध्यस्थ है। दैट वी मे कम टू द गॉड कम टू लॉर्ड बाय द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ताकि हम परमेश्वर के पास है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आए। गॉड इज अ गॉड्स प्लान। या परमेश्वर का मर्जी क्या है। थ्रू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट गॉड वॉन्ट टू टेक यू टू द गॉड वॉन्ट टू टेक यू टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको परमेश्वर के पास है आपको लाने के लिए चाहता है। दैट्स वाई टुनाइट इफ यू कम टू द लॉर्ड गॉड विल टेक यू टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इसीलिए इस रात के समय आप प्रभु यीशु मसीह के पास आने पर आपको वो परमेश्वर के पास ले जाएगा। व्हेन यू रीड द लूक 19 चैप्टर। आप जब लूक को सुसमाचार 19 अध्याय में आते हो 7th verses, 7वां वचन ऐसा कहता है हाउ गॉड सेव्ड ज़कायस। गॉड वॉन्ट टू सेव योर सोल। जैसा प्रभु ने जकै को उद्धार किया प्रभु आपके प्राण को भी बचाने के लिए चाहता है। व्हेन यू रीड द 7 and 9 वर्स। जब आप 7वां और 9वां वचन को पढ़ते हो व्हेन जकै इज गोइंग ऑन कन्फेस हिज सिन। जब जकै ने अपने हर एक पापों का कबूल किया लॉर्ड टोल्ड टुडे सैल्वेशन केम इनटू दिस हाउस। तब प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। जकै वॉन्ट टू बिकम ए रिच मैन। जकै एक धनी व्यक्ति बनने के लिए चाहता था। ही वॉन्ट नेम एंड फेम इन द लैंड। उसको इस संसार में मशहूर नाम को खमाना
दिखाना चाहता था। सेम टाइम वी हैव डिजायर टू सी द फेस ऑफ द लॉर्ड जीसस। लेकिन साथ ही साथ उसके भीतर एक आग्रह था, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेहरा देखने चाहता हूँ। डियर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, व्हेन लॉर्ड सॉ द डिजायर ऑफ द ज़कायस, प्रभु के लोगों, जब ज़के के आग्रह को प्रभु यीशु मसीह ने देखा, लॉर्ड कॉल्ड हिम एंड वेंट इन हिज हाउस, प्रभु ने उसको बुलाया, उसके घर में जा पहुंचा। देन लॉर्ड टोल्ड दैट Today is the salvation day. The salvation came into this house. तब तुरंत प्रभु ने कहा, आज उद्धार का दिन है और इस घर ने उस उद्धार को प्राप्त किया। Dear child of God, God's plan is to save the mankind, to save the whole world. प्रभु के लोगों, प्रभु का ये योजना है हर एक मानव जाति को, ये संसार में रहने वाले हर एक लोगों को उद्धार पहुंचाए। If man die without the salvation, he will go to the hellfire. एक मानव जाति उद्धार के बिना मर जाए तो वो नरक के आग में जा पहुंचेगा। That's why the God concluded that every man must be saved. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हर एक मानव जाति उद्धार पाना चाहिए। Are you saved today? क्या आप इस रात के समय उद्धार को प्राप्त किए? Have you experience of the salvation? क्या आपके जीवन में उद्धार का अनुभव है? God plan concerning you that you must save. प्रभु का योजना है ताकि आप उद्धार को हासिल करो। What is the meaning of saved? ये उद्धार का मतलब क्या है? Save from the world. आप ये संसार से उद्धार पाना चाहिए। सेव फ्रॉम द सिन, आपको पाप से उद्धार पाना चाहिए। सेव फ्रॉम द हेल फायर, आपको नरक के आग से उद्धार पाना होगा। एंड सेव बाय द लॉर्ड जीसस, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये उद्धार होना चाहिए। देन गॉड विल टेक यू टू द हेवनली प्लेस, सब प्रभु आपको स्वर्गीय स्थानों में ले जाएगा। लूक 7 चैप्टर, लूक का सुसमाचार 7वां अध्याय 37 वर्सेस, 37वां वचन कहता है, रीड दैट वर्ड, वो वचन पढ़िए। और देखो उस नगर की एक पापी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। And behold a woman in the city which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. 38 and 47 और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा प्रेम थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। Adultery woman lived in that city. यहाँ एक शहर में एक व्यभिचारी स्त्री दिखाई दिया। She did not know her plan. वो अपने योजना को नहीं पहचान सकी। She was enjoying with the adultery. वो अपने व्यभिचार के काम में आनंद मना रही थी। And specially she earned the money and she was a little bit rich. और वो पैसे कमाकर धनी होकर पाई गई। Dear child of God, lastly she fed up because of her life. आखिरी में अपने जीवन से तंग हो गई। And she heard about the Lord Jesus. और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना। She came unto the feet of the Lord. और वो आखिरी में प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ पहुंची। And cried at the feet of the Lord. और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर वो रो पड़ी। Because she loved the Lord, Lord save her soul. क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को प्रेम किया, प्रभु ने उसके प्राण को उद्धार किया। Thy faith may save thee. तेरा विश्वास तुझे उद्धार किया। Tonight if you believe the Lord Jesus Christ who died for you, इस रात के समय आपके लिए प्राण दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने पर, who died on the cross and gave his precious blood for you, सो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कालवरी क्रूस पर मर गया और जीवन दिया। If you believe tonight that Lord, tonight God going to save your soul, यदि आप उसके ऊपर विश्वास करने पर आपके प्राण को इस रात को वो बचाएगा। All must be saved, that is the plan of God. आप सारे लोग उद्धार पाना यही परमेश्वर का मर्जी है। Without the salvation you will die as a sinner, you will go to the hellfire. ये उद्धार के बिना आप मर जाने पर नरक के आग में जा पहुंचोगे। That's why tonight come to the feet of Jesus. इसीलिए इस रात के समय प्रभु यीशु के चरणों में आ जाओ। What is the plan of God? प्रभु का मर्जी क्या है? To heal your sickness. वो चाहता है ताकि आप अपने बीमारी से चंगा प्राप्त करो। Read the Matthew 8 chapter 3rd verse. पढ़िएगा मत्ती सुसमाचार 8वां अध्याय। Matthew 8 chapter 3rd verse. मत्ती सुसमाचार 8वां अध्याय के 30वां वचन। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। Mark 1:41 मरको सुसमाचार 1 अध्याय 41वां वचन। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया
और उसे छू कर कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। इट इज द विल ऑफ गॉड टू हील योर सिकनेस। यहाँ परमेश्वर का मर्जी है ताकि आप अपने बीमारी से चंगाई हासिल करो। गॉड्स प्लान दैट टू हील योर सिकनेस। प्रभु का योजना है ताकि अपने बीमारी से आपको मुक्त करे। योर बॉडी बिलोंग टू लॉर्ड जीसस। आपका शरीर प्रभु यीशु मसीह का है। योर बॉडी बिलोंग टू गॉड। आपका शरीर परमेश्वर का है। डेविल वांट टू डिस्ट्रॉय योर बॉडी। शैतान चाहता है कि आपके शरीर को नाश करे। डेविल वांट टू डिस्ट्रॉय बाय द सिकनेस। शैतान चाहता है बीमारी के द्वारा आपके शरीर को नाश करे। दैट लेपर केम बिफोर गॉड एंड आस्क द लॉर्ड लॉर्ड हैव मर्सी। वो कोढ़ी प्रभु के पास आकर कहा प्रभु मुझ पर तरस खाओ। इफ थाउ विल हील मी। यदि तू चाहता है तो मुझे चंगाई कर। लॉर्ड टोल्ड आई विल हील यू। प्रभु ने कहा मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जा। टुनाइट लॉर्ड वॉन्ट्स टू हील योर सिकनेस। इस रात के समय प्रभु आपके बीमारी से आपको चंगा करने के लिए चाहता है। दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। वह परमेश्वर का योजना है। दैट डेविल वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय योर बॉडी। गॉड वॉन्ट टू हील योर बॉडी। शैतान आपके शरीर को नाश करने के लिए चाहता है लेकिन प्रभु आपके शरीर को चंगा करने के लिए चाहता है। दैट्स द रिएक्शन ऑफ गॉड। बिलीव द लॉर्ड जीसस। इसलिए प्रभु के लोगों प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। Isaiah 50 chapter 2nd verse is यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 5वां अध्याय के दूसरा वचन में Isaiah 50 chapter 2nd verse यशायाह 5:2 And he fenced it and gathered up the stones thereof and planted it with the choicest wine and built a tower in the midst of it and also made a winepress therein and it looked that it should bring forth grapes and it brought forth wild grapes. उसने उसको मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक घुमट बनाया। By wine God healed the people। यहाँ दाख मधु के द्वारा प्रभु अपने लोगों को चंगा करता है। But by his blood God healing tonight also। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा आपको चंगा करता है। Lord Jesus Christ died on the cross for your sake and my sake। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए कालवरी क्रूस पर मर गया। Dear child of God tonight God want to heal your sick body। प्रभु के लोगों इस रात के समय आपके बीमारी शरीर को वो चंगा करने के लिए चाहता है। दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। वह परमेश्वर का योजना है। यू शुड नॉट सफर इन योर सिकनेस। आप अपने बीमारी में तड़पना नहीं। 4 years आई सफर नो वन हील्ड मी जीसस ओनली हील्ड मी। 4 साल तक मैं अपने बीमारी में तड़प रहा था कोई मुझे चंगा नहीं कर पाया लेकिन यीशु मसीह ने मुझे चंगाई किया। यू आर ऑल्सो स्पेंडिंग सो मच मनी इन योर लाइफ फॉर द हीलिंग बट स्टिल यू आर नॉट हील्ड। आप भी अपने जीवन में चंगाई के लिए कई खर्च का पैसे को खर्च करते हैं but you are not healed। लेकिन अभी तक आपने चंगाई को हासिल नहीं किया। Dear child of God tonight Lord says that my plan is to heal your sickness। आज रात के समय प्रभु आपको देखकर कहता है मेरा योजना है ताकि मैं तुझे तेरे बीमारी से चंगा करूं। What is the third one? तीसरा क्या है? Lord want to deliver from your fear of death। प्रभु चाहता है ताकि आपके उस मृत्यु के डर से आपको छुड़ाए। Hebrews 2nd chapter 14 and 15th verse says इब्रानी के पत्रिका दूसरा अध्याय के 14 और 15 वचन में लॉर्ड जीसस ने अबॉलिश द पावर ऑफ डेथ। यहाँ परमेश्वर ने मृत्यु के सामर्थ को नाश किया। Nowadays so many people they are fearing every day to die otherwise they are thinking that they are going to die। इन दिनों में कई लोग आखिरी समय के मृत्यु के डर के डर से एक एक दिन तड़प Tonight you also came with the fear of death only। इन दिनों में इस रात के समय आप ही मृत्यु के डर के साथ इस जगह में बैठे होंगे। Lord died on the cross to deliver you from the fear of death। प्रभु ने कालवरी क्रूस में मर गया ताकि आपके उस मृत्यु के डर से आपको छुड़ाए। God's plan that you heal and deliver from your fear of death। प्रभु चाहता है आपको चंगाई करे और मृत्यु के डर से आपको छुड़ाए। डोंट फियर डे एंड नाइट फॉर योर डेथ। आप अपने जीवन में मृत्यु के डर के साथ रात और दिन घबरा कर नहीं रहना। Tonight God going to deliver you। इस रात के समय प्रभु आपको छुटकारा देगा। And fourthly God going to deliver you from the curse life। चौथा प्रभु आपके जीवन के श्राप से आपको छुटकारा देगा। गलातियों 3:13-14 गलाती के पुस्तक 3:13-14 वचन में लॉर्ड जीसस क्राइस्ट डाइड ऑन द ट्री दैट इज अ कर्स्ड ट्री। प्रभु यीशु मसीह उस खाट में श्रापित क्रूस में वो मर गया। दैट ही वांट टू रिमूव अवर कर्स लाइफ ताकि वो हमारे श्राप जीवन से हमें छुड़ा सके। व्हेन आदम सिन अगेंस्ट गॉड गॉड कर्स्ड द मैन। जब आदम ने पाप किया
प्रभु ने मनुष्य को श्राप किया. When the second Adam, Lord Jesus Christ died on the cross, God removed the curse. जब दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पे मर गया, ये सारे श्राप हटाया गया. You are earning the money, but your money is not with you, in your not in your house. आप पैसा को कमाते हैं, लेकिन वो पैसा आपके साथ नहीं ठहरता. Because of the curse. क्योंकि श्राप है. Tonight God wants to deliver you from the curse life. आज रात के समय प्रभु आपके श्राप जीवन से आपको छुटकारा देने के लिए चाहता है. What is the fifth plan? पांचवा योजना क्या है? Luke 7 chapter 30 verse says. लूको सुसमाचार सातवां अध्याय के 30वें वचन में. Luke 7 chapter 30. लूको सुसमाचार सात का 30. But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him. पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की मंशा को अपने विषय में टाल दिया. God's plan is to take the water baptism. प्रभु का योजना है ताकि हर एक लोग पानी के बपतिस्मा को स्वीकार करे. Acts 2 chapter 38 verse says. फिर का काम दूसरा अध्याय के 38वें वचन कहता है. We have to believe and repent for our sins and take the water baptism. हमें विश्वास करना होगा, पाप के लिए पछताना होगा, मन फिराकर पानी के बपतिस्मा को लेना होगा. Acts 9 chapter 1 and 3 verse says. फिर का काम नवा अध्याय के पहला और 30वां वचन कहता है. If you believe, are you receive the Holy Spirit? यदि आप विश्वास करते हो तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं क्या? Because they are taking the baptism of the John the Baptist. क्योंकि यहाँ के कुछ लोग योहन्ना बपतिस्मा देने वाला का बपतिस्मा को लिया था. Again, they are taking the in the name of Lord Jesus Christ, they are taking the water baptism. और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है. Dear child of God, the plan of God is you have to take the water baptism. प्रभु का योजना है ताकि हमारे एक लोग पानी के को लेना चाहिए. What is the sixth plan? छठवां योजना क्या है? God preparing a place for you. प्रभु आपके लिए एक जगह को तैयार किया है. John 14 chapter. योहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय. 1 and 2 verses. पहला और दूसरा वचन. That is the God's plan. वही परमेश्वर का योजना है. Read that word. वो वचन पढ़िए. तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Hebrews 13 chapter 13 and 14 verse says that we are not having the permanent place on this earth. इब्रानी की पत्रिका 13 अध्याय के 13 और 14 वचन कहता है हमारे लिए इस जगत में कोई स्थायी निवास स्थान नहीं है. बट वी आर वेटिंग फॉर द कमिंग सिटी टू कम. हम यहाँ से हमारे लिए एक नगर का इंतजार करते हैं. द सेम थिंग अब्राहम आइज़क एंड जेकब आल्सो एक्सपेक्ट द सिटी ऑफ गॉड. यही इब्राहिम ईसाक और याकूब भी परमेश्वर के वो नगर के लिए इंतजार किया. दैट प्लेस गॉड प्रिपेयरिंग फॉर योर सेक एंड माई सेक. वो जगह प्रभु आपके लिए और मेरे लिए तैयार कर रहा है. यू शेड ऑफ गॉड सेवेंथ वन दैट God wants to make you Zion and Jerusalem. सातवां प्रभु आपको और मुझे सियोन और यरूशलेम को बदलने के लिए चाहता है. That is the plan of God. वो परमेश्वर का योजना है. God wants to make us as a Zion and Jerusalem. प्रभु हमें सियोन और यरूशलेम को बदलने के लिए चाहता है. That's why tonight examine ourselves. What is the plan of God? इसलिए रात के समय अपने जीवन को जांच कर देखिए परमेश्वर का योजना मेरे प्रति क्या है. Are you saved? क्या आप उद्धार प्राप्त किए? Are you taken water baptism? क्या आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया? Are you having the plan of God? क्या आपके जीवन में परमेश्वर का योजना को पूरा किया? Dear child of God, are you having the plan concerning Zion and Jerusalem? क्या आपके जीवन में सियोन और यरूशलेम के प्रति एक योजना है? God's plan that he went to prepare a place for your sake and my sake. परमेश्वर का योजना है, इसीलिए आपके लिए और मेरे लिए वो एक जगह को तैयार करने गया है. That's why tonight come to the plan of God. इसलिए रात के समय आप परमेश्वर के योजना के पास लौट आई. If you come to the plan of God, यदि आप प्रभु का योजना के पास आओगे, God will show the right path. प्रभु आपको ठीक मार्ग को दिखाएगा. एंड शो यू द राइट वे. और आपको एक अच्छा मार्ग को दिखलाएगा. देन ओनली यू कैन गो टू द इटर्निटी. तब आप उस नित्यता को पहुंच पाओगे. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. सो डियर चाइल्ड ऑफ गॉड, दिस इज अ मैन्स प्लान. यहाँ मनुष्य का योजना को देख सकते हैं. एंड ऑफ इज दैट ही गोइंग ऑन थिंकिंग एंड सिंकिंग एंड डाइंग. आखिरी में वो सोचता है, डूबता है और मर जाता है. बिकॉज वॉट इज माई लाइफ, यू डू नॉट नो देर इज एन
there is no meaning of his life. क्योंकि उसके जीवन के लिए कोई अर्थ नहीं रखता है. Same by devil plan is to destroy your life. आखिरी में शैतान का योजना आपके जीवन को नाश करना है. Own plan will take you to the lastly insecure and doubt, lastly end of with death. हमारा खुद का योजना हमें असुरक्षित में और संदेह में और मृत्यु में ले जाता है. This is a plan of God. ये परमेश्वर का योजना है. Dear child of God, this is a plan of God. यह परमेश्वर का योजना को प्रभु के लोगों हम देख सकते हैं. So many Christian souls, they have this frame, this picture, they are keeping in their house. कई मसीह लोग ये चित्रों को अपने घर में टांगते हैं. But they never read sometimes. लेकिन कई बार उसको पढ़ते नहीं हैं. But they are never thinking about the plan of God. परमेश्वर की योजना के प्रति कभी सोचते भी नहीं हैं. But here the same picture I brought and put before you. वही चित्र आपके सामने मैं डाला हूँ. There is a two ways in the life. यहाँ मनुष्य के सामने दो मार्ग को ठहराया हुआ है. One is a narrow way. एक सकेत मार्ग. And second is a broad way. दूसरा विशाल मार्ग. Dear child of God, in the broad way, so many people are going. ये विशाल मार्ग में कई लोग प्रवेश करते हैं. Lord Jesus Christ told that. प्रभु यीशु मसीह ने इसे कहा. Don't try to go in the broad way. Try to go in the narrow way. यीशु मसीह ने कहा विशाल मार्ग में प्रवेश करने के लिए नहीं, बल्कि सकेत मार्ग में प्रवेश करने के लिए यत्न करो. Who is going to the in the narrow way? कौन ये सकेत मार्ग के भीतर प्रवेश करता है? Here in the gospel of the word of God. जो इस वचन के सुसमाचार को सुनता है. Here the gospel of the preacher. जो इस प्रचारक के सुसमाचार को सुनता है. And believe the Lord. और वह प्रभु के ऊपर विश्वास रखता है. And enter into the straight way. और वह इस सकेती मार्ग के अंदर प्रवेश करता है. That is the way of Lord Jesus. ये प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है. Lord told, I am the way. यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग हूँ. I am the way. मैं ही मार्ग हूँ. Dear child of God, who are hearing the word of God and accept the plan of God, they will go to the narrow way. जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनता है और इस सकेत मार्ग के भीतर प्रवेश करता है, they will come to the cross of Calvary. वो ये कालवरी क्रूस के सामने आकर खड़ा रहता है. And they will accept the crucifixion of the Lord. और वो प्रभु यीशु मसीह को कालवरी क्रूस में क्रूसित किया वो उस घटना को स्वीकार करता है. They wash their sins by the blood of Jesus. वो अपने जीवन के हरेक पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो देता है. After that they will take the water baptism. उसके बाद वो पानी के बपतिस्मा लेता है. And they will go to the heaven. और वो स्वर्ग में चला जाता है. They will go to the church. और वो कलीसिया में जाकर. And going the narrow way. और वो सकेत बार के अंदर प्रवेश करके. And passing through so many trials and temptation. और कई परीक्षा और तकलीफों के बीच में गुजर कर. Like that so many paths they are going on reaching to the heavenly place. और ऐसे कई कठिन मार्गों में गुजर कर स्वर्ग में जा पहुंचते हैं. So many trials and temptations are there. कई परीक्षा और तकलीफ उनके सामने है. Lastly they will see the kingdom of God. They will see the throne of God. They will see the crown of God. आखिरी में वह परमेश्वर के राज्य को उसके सियासत को वो देखते हैं. Dear children of God, if you want to go to the narrow way, you have to accept the Lord Jesus Christ. प्रभु के लोगों, ये सकेती मार्ग के भीतर आपको प्रवेश करना है तो प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में स्वीकार करना होगा. Who are accepting the plan of God, they will go in this path. जो कोई परमेश्वर के योजना को स्वीकार करते हैं इस मार्ग में जाते हैं. They will live a tent life, the faith life. वे एक तंबू में वास करने वाला जीवन, नहीं तो विश्वास का जीवन को बिताएंगे. They have the fellowship of the saints. वे संतों का सहभागी में रहते हैं. And they will going on reaching to the heavenly place. और वे चलते चलते स्वर्गीय स्थान में जा पहुंचते हैं. Dear child of God, tonight you accept the God's plan. प्रभु के लोग, इस रात के समय परमेश्वर की योजना को स्वीकार कीजिए. If you go through your own plan. यदि आप अपना योजना में जाओगे. If you trap by the devil's plan. यदि आप शैतान के फंदों में फंस जाएंगे. If you want to enjoy the your man's plan. यदि आप मनुष्य के योजना में खुशी मनाओगे. You are going to the broad way. आप विशाल मार्ग में जाते हो. Go on enjoying the parties. आप पार्टी में जाकर आनंद मनाओगे. You are going on enjoying the hotels. आप होटल में जाकर आनंद मनाओगे. And going on drinking and just marry in the hotels. और दाग मधु पीकर होटल में जाकर खुशी मनाते रहेंगे. Like you are going on that means
That means worldly sinful places. और ऐसे ही संसार के हर एक पाप भरा हुआ जगह में जा पहुंचोगे. They want to enjoy the world only. वे संसार को आनंद मनाने के लिए चाहते हैं. That is a very broad way going on leading in their life. ये एक बड़ा विशाल मार्ग है जो उनके मार्ग को ले जाता है. But lastly it goes to the hell fire. लेकिन आखिरी में वह नरक के आग में जा पहुंचाएगा. They do not know about that. वे इस बातों को नहीं पहचानते हैं. They are thinking that they are going the God's life only and Christian life only. वे ऐसे सोचते हैं वे प्रभु के जीवन नहीं तो मसीह मार्ग में आगे बढ़ते हैं. They are child of God. They never listen the plan of God. They want to go in their own plan. वे अपने जीवन में परमेश्वर की योजना के प्रति इंतजार नहीं करते हैं बल्कि अपना योजना के प्रति आगे बढ़ते हैं. Tonight examine our life. इस रात के समय अपने जीवन को जांच कर देखिए. Are you want to go in the plan of God? Otherwise you want to go to the broad way, your own plans. क्या आपके जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए चाहते हो नहीं तो विशाल मार्ग में आगे बढ़ने के लिए चाहते हो. Dear child of God, own plan will take you to destruction. प्रभु के लोगों, आपका खुद का मर्जी आपको विनाश में जा पहुंचाएगा. Your ordinary man's plan will ruin. Lastly, you will sinking and thinking and die. एक सामान्य मनुष्य का मार्ग आपको सोच में लाकर संदेह में लाकर आपको डुबा कर नाश कर देगा. Devil plan will take you to lastly hellfire only. शैतान का मार्ग एक व्यक्ति को आखिरी में नरक में जा पहुंचाएगा. Tonight God calling you come to the plan of God. इस रात के समय प्रभु आपको बुलाता है प्रभु के योजना के प्रति आ जाओ. What's the plan of God? परमेश्वर का मर्जी क्या है? सेव योर सोल. अपना प्राण को बचाओ. टेक योर वॉटर बैप्टिज्म. पानी के बपतिस्मा को ले लो. रिसीव द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा के अभिषेक को पालो. हैव द फेलोशिप ऑफ द सेंट्स. संतों के साथ सहभागी रखो. डिलीवर फ्रॉम योर फियर ऑफ डेथ. मृत्यु के डर से छुटकारा पालो. डिलीवर फ्रॉम योर सिकनेस. अपने हर एक बीमारी से छुटकारा पालो. एंड कम टू द प्लान ऑफ गॉड. और परमेश्वर के मर्जी के बीच में लौटाओ. गॉड प्रिपेयरिंग ए प्लेस फॉर यू. प्रभु आपके लिए एक स्थान को तैयार कर रहा. इफ यू कम टू दैट प्लान. यदि आप वो योजना में आएंगे. गॉड विल सेव यू. प्रभु आपको बचाएगा. गॉड विल कीप यू. प्रभु आपको संभालेगा. गॉड विल ब्लेस यू. और प्रभु आपको आशीष करेगा. इन द वर्ल्ड ऑल्सो यू आर ब्लेस्ड वन. ये संसार में आप धन्य व्यक्ति होकर बदल जाओगे. एंड यू आर वॉकिंग विथ योर गॉड. और आप परमेश्वर के साथ चल सकते हो. यू आर गोइंग थ्रू द नैरो वे. आप सफेद मार्ग में आगे बढ़ेंगे. लास्टली यू गो टू द हेवनली प्लेस. आखिरी में आप स्वर्गीय स्थान में जाकर पहुंचाओगे. बट योर ओन प्लान विल टेक यू द हेलफायर. आपका खुद का मर्जी आपको नरक के आग में ले जाएगा. Tonight God calling you to come to the plan of God. आज रात के समय प्रभु आपको अपनी मर्जी की ओर आपको बुलाता है. God wants to bless you. प्रभु आपको आशीष करने के लिए चाहता है. And take you to the heavenly place. और आपको स्वर्गीय स्थान में ले जाने के लिए चाहता है. No, I am going to finish. अभी मैं खत्म करने के लिए चाहता हूँ. Just examine ourselves. केवल अपने जीवन को जांच के देखिए. All stand up. सारे लोग खड़े हो जाइए. All stand up possible, please come to this mat. यदि आपको हो सके तो थोड़ा आगे ये चारपाई की ओर आ जाइएगा. वी विल प्रे फॉर यू. आपके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं. यू हर्ड द प्लान ऑफ द मैन. आपने ये मनुष्य के हर एक योजना के बारे में आपने सुन लिया. यू हर्ड द प्लान ऑफ द डेविल. आपने शैतान की योजना के बारे में भी सुना है. यू हैव द प्लान ऑफ योर ओन. आपके लिए खुद का मर्जी भी है. बट ऑल दीज प्लान विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ. लेकिन ये सारा योजना आपके जीवन को नाश कर देगा. बट ओनली गॉड्स प्लान विल सेव योर सोल. लेकिन केवल परमेश्वर का मर्जी आपके प्राण को बचाएगा. Tonight you come to the right path. आज रात के समय आप एक ठीक मार्ग में आ पहुंचो. God want to take you to the heavenly place. प्रभु आपको स्वर्गीय स्थान में ले जाने के लिए चाहता है. God want to bless you. प्रभु आपको आशीष करने के लिए चाहता है. And God want to save your soul. प्रभु आपके जीवन को आपके प्राण को बचाने के लिए चाहता है. This plan of God will make you a perfect saint in the world. प्रभु का योजना आपके जीवन को इस संसार में एक संत होकर बदल देगा. एंड गॉड विल प्रिपेयर यू फॉर हिज सून कमिंग. और प्रभु आपके जीवन को उसके जल्द आगमन के लिए तैयार करेगा. एंड गॉड विल ब्लेस यू मोर एंड मोर. और प्रभु आपको और भी आशीष करता रहेगा. सो कम टू द प्लान ऑफ गॉड. इसलिए परमेश्वर की योजना के पास लौटाओ. ब्रॉड वे इज ए वेरी डेंजरस वे. ये विशाल मार्ग खतरनाक मार्ग है. एंजॉइंग द होटल्स. ये संसार में हर एक होटलों में जाकर आनंद मनाना. एंजॉइंग द बार.
dance. और बार में जाकर खुशी मनाना. Enjoying the parties. और पार्टियों में जाकर खुशी मनाना. Like a rich man going on eating and drinking. धनवान के समान पीते हुए खाते हुए सुखविलास का जीवन बिताना. Future going on functions and enjoying the functions. अपना भविष्य में कई फंक्शनों में जाकर आनंद मनाते हैं. Going on in the inns that hotels bars. कई होटलों में जाकर आनंद मनाते हैं. House of the cinemas. और सिनेमा. Dancing halls. और नाच गाने में आनंद मनाते हैं. And games and playing cards. और खेल और पत्ता को खेल कर आनंद मनाते हैं. This broad way take you to the hellfire. ये विशाल मार्ग एक व्यक्ति को नरक के आग में ले जाएगा. What is the narrow way? ये सकेत मार्ग क्या है? What is the straight way? ये सकेत मार्ग सीधा मार्ग क्या है? That is a God's plan. वो परमेश्वर का योजना है. That is a gates. That is a way to God. वो एक फाटक है जो परमेश्वर के पास से एक व्यक्ति को पहुंचाता है. टू सेव द सिनर्स. एक पापी को उद्धार करता है. दैट इज इमीडिएट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट एज योर पर्सनल सेवियर. हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मध्यस्थ है वो हमारे प्राण को एक पाप से बचाता. इन द नैरो वे यू आर गोइंग टू वर्शिप योर गॉड इन द ट्रूथ एंड स्पिरिट. एक सकेती मार्ग में एक व्यक्ति परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से उपासना करता है. वी हैव टू मीट द रियल पास्टर्स एंड रियल फेलोशिप ऑफ द सेंट्स. आप एक वास्तविक पास्टर से भेंट करके एक सच्चा प्रेरित उपदेश में आपको स्थिर रहना होगा. यू हैव टू ग्रो इन द डॉक्ट्रिन ऑफ द अपोस्टल. आपको प्रेरितों के उपदेश में बढ़ता जाना होगा. यू हैव टू हैव द कंटिन्यू फेलोशिप विद द सेंट्स. आपको लगातार संतों के सहभाग्यता में बना रहना होगा. एक्ट सेकंड चैप्टर 42 सेज फेलोशिप ऑफ द अपोस्टल एंड फेलोशिप ऑफ द प्रेयर ऑफ द अपोस्टल एंड ब्रेकिंग द ब्रेड ऑफ द अपोस्टल एंड डॉक्ट्रिन ऑफ द अपोस्टल. प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय के 42 वचन में प्रेरितों के साथ संगति रखने, रोटी तोड़ने और उनके साथ प्रार्थना में बने रहने वाले अनुभव को दिखाता है. Dear child of God, come to the plan of God. प्रभु के लोगों, परमेश्वर की योजना के प्रति लौटाओ. Whosoever come to the plan of God, they will be saved, they will go to the heavenly place. जो कोई परमेश्वर की योजना के लिए अपने जीवन को समर्पण करता है वो अपने प्राण को बचाकर स्वर्गीय स्थान में जा पहुंचेगा. डोंट मेक योर ओन प्लान्स हियर आफ्टर. आगे से अपने लिए खुद का योजना को नहीं बनाना. डोंट ट्रैप बाय द डेविल प्लान्स. शैतान के योजना के उस फंदे में जाकर नहीं फंसना. डोंट थिंक दैट यू आर ऑर्डिनरी मैन्स प्लान इन द वर्ल्ड. कोई भी साधारण मनुष्य का योजना में जाकर नहीं फंसना. ओनली कम टू द प्लान ऑफ गॉड. केवल परमेश्वर की योजना के पास लौट आइए. व्हाट इज द प्लान ऑफ गॉड? परमेश्वर का योजना क्या है? लॉर्ड डाइड ऑन द क्रॉस फॉर योर सेक एंड माय सेक. आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर मर गया. व्हाट इज द गॉड्स प्लान? प्रभु का योजना क्या है? टू सेव योर सोल. वो अपने आपके प्राण को बचाने के लिए चाहता है. टू हील योर सिकनेस. अपने बीमारी से चंगाई देने के लिए चाहता है. टेक यू टू द हेवनली प्लेस. आपको स्वर्गीय स्थानों में ले जाने के लिए चाहता है. Tonight, close your eyes. इस रात के समय अपने आंखों को बंद कीजिए. एंड जस्ट टेक अ डिसीजन. एक निर्णय को लीजिए. लॉर्ड आई वॉन्ट टू कम टू द प्लान ऑफ गॉड. प्रभु मुझे तेरे योजना के भीतर आने के लिए मैं चाहता हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू ruin my life in my own plan. प्रभु मैं अपना योजना में जाकर मैं अपने जीवन को नाश नहीं करना चाहता. I don't want to kill and destroyed by the devil's plan. मैं शैतान के द्वारा अपने जीवन को नाश कर खत्म करने नहीं चाहता हूँ. I don't want to live my own plans. प्रभु मैं अपने योजना के अनुसार जीवन बिताना नहीं चाहता हूँ. Tonight I come to know the truth. प्रभु इस रात के समय मैंने सच्चाई को सुन लिया. Lord Jesus, I want to come to the plan of God. प्रभु यीशु मसीह मैं परमेश्वर का योजना के भीतर आने चाहता हूँ. हाउ मेनी पीपल वॉन्ट्स टू कम टू द प्लान ऑफ गॉड? लिफ्ट अप योर राइट हैंड हेवनली फादर सीइंग योर हैंड. कितने प्रभु के लोग परमेश्वर की योजना के भीतर आने के लिए चाहते हो? अपने दाहिने हाथ को उठाइए. प्रभु आपके हाथ को देखने चाहता है. गॉड सीइंग फ्रॉम हेवन. स्वर्ग से अपने हाथों को देखता है. एंड लॉर्ड जीसस सीइंग इन अवर मिडस्ट. और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में हर एक को देख रहा है. लॉर्ड टुडे आई वॉन्ट टू कम टू द राइट प्लान. प्रभु इस रात के समय तेरा योजना के लिए मैं आने के लिए चाहता हूँ. आई सरेंडर माई लाइफ इन दाई हैंड. प्रभु मेरा जीवन को तेरा हाथ में मैं सौंपता हूँ. आई वॉन्ट टू गो टू हेवनली प्लेस. प्रभु मैं स्वर्गीय स्थानों में जाने के लिए चाहता हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय माई लाइफ ऑन दिस अर्थ. मैं ये संसार में अपने जीवन को नाश नहीं करना चाहता. लिफ्ट अप योर राइट हैंड. गॉड विल ब्लेस यू एंड गॉड विल डिलीवर यू फ्रॉम योर ओन प्लान. प्रभु के लोगों अपने दाहिने हाथ को उठाइए. प्रभु आपको देखने चाहता, अपने जीवन को बचाने के लिए चाहता है. वंस आई वॉन्ट
वॉज इन ओन प्लान गॉड सेव्ड मी. एक समय मैं अपना खुद का मर्जी में था, प्रभु ने मुझे बचाया. टुडे आई एम इन द प्लान ऑफ गॉड. आज मैं परमेश्वर का योजना में हूँ. दैट्स व्हाई पीस एंड जॉय वर्किंग इन माय हार्ट. इसीलिए मेरा हृदय में शांति और आनंद राज्य करता है. एंड हीलिंग इन माय बॉडी. और शरीर में चंगाई है. आई एम गोइंग टू द पाथ ऑफ द नैरो वे टू मीट माय गॉड. मैं सकेती मार्ग में होकर मेरा प्रभु को मुलाकात करने के लिए आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ. टुनाइट गॉड कॉलिंग यू ऑल्सो. इस रात के समय हमारा प्रभु आपको भी बुलाता है. ओपन योर माउथ एंड टेल टू गॉड. मुंह खोल के प्रभु की ओर देखकर बोलिए. ओपन योर माउथ एंड टेल टू गॉड. मुंह खोल के प्रभु की ओर बोलिए. डोंट शाई. Lord God, I want to come to thy plan. Prabhu, main tera yojana ke liye aane ke liye chahta hu. Before the foundation of the world, what plan concerning me today you have to reveal in my life and take me. Jagat ke utpatti se pehle mere jeevan ke prati jo kuch tera yojana tha, aaj raat ke samay tu tera yojana mere jeevan mein prakat